तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के यहाँ पर मिस गाइडेंस की वजह से यहाँ पर बहुत कुछ मैसेजिंग एप्स में चर्चा चालू थी। तो उसी के चलते बहुत सारे जो अदर कंपनीज के यहाँ पर मैसेजिंग एप्स है वो यहाँ पर ऊपर आ रहे थे और व्हाट्सएप नीचे नीचे जा रहा था। तो व्हाट्सएप ने फाइनली उनके व्हाट्सएप का एक ऐसे स्टेटस पे खुद के व्हाट्सएप का ऐसे डिस्क्रिप्शन बता दिया कि हमारे प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है एंड हम किसी का कॉन्टेक्ट शेयर वगैरह नहीं करते, फेसबुक पे भी नहीं करते। ऐसा जो भी यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी आपने एक्सेप्ट की थी वो यहाँ पर बोलते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। एंड नहीं करेंगे तो यहाँ पर इन फ्यूचर भी आप यहाँ पर सोच सकते हो। तो व्हाट्सएप का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो यहाँ पर जो अपना प्राइवेसी पॉलिसी है उसको पोस्टपोन कर देता है। ठीक है, फिलहाल तो ये न्यूज कंफर्म हो जाती है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में आपके जो भी डिटेल्स है मीडिया के बोलो या फिर कॉन्टेक्स्ट के बोलो वो शेयर नहीं होते। ये कंक्लूड यहाँ पूरा यहाँ पर व्हाट्सएप ने क्लियर कर लिया है। बट इसी के चलते मिसलीडिंग के चलते टेलीग्राम जो है वो अच्छे से फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस आपको टेलीग्राम पे शिफ्ट करने हैं या फिर इंपोर्ट करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। लेट्स गो। तो यहाँ पर टेलीग्राम का एक नया अपडेट आया है। अगर आपने अपडेट नहीं किया हो तो आपको अपडेट मस्ट है, क्योंकि अगर आपको व्हाट्सएप के एप्लीकेशन से क्योंकि अगर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स या फिर चैट्स के मैसेजेस इंपोर्ट करने होंगे टेलीग्राम्स पर तो आप इजीली कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम्स के। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन है वो अप टू डेट रहने चाहिए, व्हाट्सएप का भी टेलीग्राम का। व्हाट्सएप का नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन टेलीग्राम मस्ट है यहाँ पर, क्योंकि टेलीग्राम में ही इम्पोर्ट होने वाला है। अगर आपका एप्लीकेशन अपडेट ही नहीं होगा तो आपने एक्सपोर्ट किया व्हाट्सएप से तो टेलीग्राम पे एक HTML या फिर एक टेक्स्ट फाइल की तरह चैट दिखेगी। तो ये प्रोसेस कैसे है, क्या क्या स्टेप है, आप व्हाट्सएप से मैसेजेस कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर टेलीग्राम में जो अप टू डेट होना चाहिए, व्हाट्सएप का नहीं रहा तो भी चलेगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, कोई भी कॉन्टेक्ट या फिर ग्रुप का अगर आपको मैसेज एक्सपोर्ट करना है तो वो कॉन्टेक्ट को क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीन साइड में ऑप्शन दिखेंगे, वो ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वो एक्सपोर्ट का बटन दबाते ही आपको ऑप्शंस पूछेगा। अगर उसमें मीडिया रहेंगे तो क्या आपको मीडिया के साथ चैट चाहिए या फिर मीडिया के बिना, तो आपके ऊपर है कि कौन सा चाहिए, आपको मीडिया के साथ साथ या फिर विदाउट मीडिया वाली चैट आपको टेलीग्राम में इंपोर्ट करनी है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको टेलीग्राम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर टेलीग्राम पे क्लिक कर देना है एंड थोड़े टाइम रुकना है, जितना आपका चैट रहेगा उतना वो साइज आपको बता देगा एंड इंपोर्टिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। एंड इंपोर्ट होने के बाद सिंपली यहाँ पर डन हो जाता है। और एक स्टेप है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे एक खुद का ग्रुप बनाना चाहिए, मतलब जहां पर आपको इंपोर्ट करना है वो एक ग्रुप का लोकेशन आप बोल सकते हो, पाथ बोल सकते हो, तो एक सिंपली ग्रुप बनाना चाहिए जहां पर आप इंपोर्ट कर सके वो मैसेज एंड वो ग्रुप को क्लिक करोगे तो वहां पर सभी आपके व्हाट्सएप के चैट जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगे एंड सभी के सभी जो चैट है वो कंप्लीट जो चैट आप व्हाट्सएप में देखे हो वैसे ही आपको देखने को मिलती है। चेंजेस बस इतने होगा, अगर व्हाट्सएप में जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलता टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे जो भी यहाँ पर आपने इमोजीज सेंड किए होंगे तो वो एक एनिमेटेड इमोजीज की तरह देखने को मिलते हैं। बट इन शॉर्ट आपको कंप्लीट जो व्हाट्सएप की आप पूरा चैट है आपका सब वो टेलीग्राम पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आप व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है या फिर ग्रुप के मैसेजेस वो इंपोर्ट कर सकते हो। एंड सिंपली ये बात एप्पल यूजर्स के लिए भी होती है, iOS यूजर्स उनका भी यहाँ पर सिंपल है। सिर्फ यहाँ पर उनको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है कि जो है प्रोफाइल को है वो ओपन करना पड़ता है, प्रोफाइल के एंड में आपको वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप टेलीग्राम पर वो इंपोर्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम की तरफ से ये बेस्ट फीचर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपको पसंद आया तो कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू जीटेक, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, फुकट का माल है, हिट द बेल आइकन, 5000 तक जाना है, जल्दी कंप्लीट हो जाने वाले। बाय।